नोटिस पीरियड, नॉन कम्पीट, इनमें से एक भी कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं है। मेरे को आज तक एक बंदा दिखा दे जो बोल रहा हो कि मेरी कंपनी ले गई कोर्ट और कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया। अभी बता देते हैं, ये देखो निरंजन वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग। निरंजन जी ने इस कंपनी से टायर कॉर्ड यान की ट्रेनिंग लेकर कंपेटिटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया हायर पे के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट में कंपनी के फेवर में डिसीजन गया। ये था नॉन कंपीट। अब आते हैं नोटिस पीरियड पे। नंदगंज वर्सेस बद्रीनाथ दीक्षित, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए इन्होंने जॉब छोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट के इसी लैंडमार्क जजमेंट ने ये डिसाइड किया कि कंपनी को डैमेजेस मिलेंगे। अब आ जाओ जी नॉन सॉलिसिटेशन पे। एमबी सॉफ्टवेयर वर्सेस समीर कुमार, कंपनी का एम्प्लॉई अपनी ही कंपनी के क्लाइंट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यूज करके अगर जॉब ले ले तो इस एक्टिविटी को इलीगल माना जाएगा। इस जजमेंट में वही हुआ। तो सारे जजमेंट्स मैं आपको दे दूंगा, पढ़ सकते हो। ये कुछ केसेस है जिसमें एम्प्लॉई गलत थे, बट काफी केसेस में एम्प्लॉयर भी जानबूझकर एम्प्लॉई को फंसाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर उनके साइन करवा देता है, क्या ही पता चलेगा। और इसी प्रॉब्लम को देखकर हमने स्टार्ट किया इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को 35 पैरामीटर्स पर स्टडी करके एक रिपोर्ट में सारे रेड फ्लैग्स बताते हैं जिनसे कंपनी फ्यूचर में आपको लीगल मैटर्स में फंसाती है। अब जागरूक बनना है।